हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हीना रैबिट केयर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में जो आपके रैबिट को बहुत पसंद होते हैं। इससे आप अपने प्यारे रैबिट को और आपका प्यारा रैबिट आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। नंबर वन है पूप। खरगोश को अपनी ही पॉटी खाना बहुत पसंद होता है और उसके स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना ज़रूरी भी है। उसकी पॉटी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो ऐसे में उसका ऐसा करना बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको वरिड होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके प्यारे रैबिट के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ही होगा। नंबर सेकेंड है बिंकीस। खरगोश की ऊँची छलांग को बिंकीस कहते हैं। जब खरगोश बहुत खुश होते हैं तब वह बिंकी करके अपनी खुशी और संतुष्टि को जाहिर करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपका प्यारा रैबिट आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश और संतुष्ट है। नंबर थ्री है डार्क कूल हाइडिंग प्लेसेस। अंधेरी और कोने वाली जगह खरगोश को बहुत पसंद होती है। ऐसी जगह पर सोना, आराम करना और खाना खरगोश को बहुत पसंद होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर फ्रेंड्स आपका प्यारा रैबिट अपने आप को सेफ फील करता है और वह कुछ प्राइवेसी चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है। नंबर फोर है स्लीपिंग। खरगोश 8 से 9 घंटे तक सोते हैं। सुबह और शाम के समय में खरगोश ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बाकी समय में वे आराम करना पसंद करते हैं, तो उनके स्लीपिंग टाइम को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। नंबर फाइव है गेटिंग ग्रूम्ड। आपके खरगोश को ग्रूमिंग करवाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए उसके सर को सहलाना, उसके गाल को सहलाना, उसकी पीठ पर मसाज करना, उसके सर को धीमे धीमे से छूना, ये सब उसे बहुत पसंद होता है। तो आप अपने पेट के साथ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि वो आपसे और भी ज़्यादा अटैच हो सके। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका प्यारा रैबिट अपने आप को सेल्फ ग्रूम करता है, सेल्फ क्लीन करता है, क्योंकि रैबिट एक बहुत ही साफ़ सुथरा जानवर है जो अपने आप को साफ और खूबसूरत दिखाना चाहता है, साफ रहना चाहता है, इसलिए वह अपनी साफ सफाई पर बहुत ध्यान रखता है। तो आप उसके साथ कोऑपरेट जरूर करें। नंबर सिक्स है चीविंग। खरगोश के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए वे हर वक्त कुछ ना कुछ चबाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं और वह सेल्फ ट्रिम्ड रहते हैं। तो आप हमेशा ये इंश्योर करें कि उनके पास कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी रहें, जिसे वे कुछ ना कुछ खाते रहें, कुतरते रहें और अपने दांतों को नॉर्मल साइज में रख सकें। नंबर सेवन है स्पेंडिंग टाइम विद यू। आपके खरगोश के लिए आप ही उसका पूरा जीवन होते हैं। वो आपके साथ खेलना चाहता है, आपसे चाहता है कि आप उसे पेटिंग करें, ग्रूम करें, अपने दिन का कुछ समय उसके साथ बिताएं। तो आप अपने प्यारे रैबिट से अगर अटैच होना चाहते हैं, उसे अपना अच्छा फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ दिन का कुछ समय ज़रूर बिताएं, उसके साथ कुछ एक्टिविटी करें, उसे कुछ खिलाएं, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, उसकी पेटिंग करें, ग्रूमिंग करें, जिससे आपका रैबिट आपसे और भी ज़्यादा क्लोज हो सके और आपसे और भी ज़्यादा खुश रह सके। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो और ये थे कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स जो आपके रैबिट को बहुत पसंद होते हैं और आपको आपके रैबिट से अटैच करने में आपकी बहुत हेल्प भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।